हेलो दोस्तों, आज मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक मसाला किचन में। मैं कोई आज रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, मैं आज तीखी चटपटी चटनी आपके साथ शेयर करूँगी। ये उसके इंग्रेडिएंट हैं, देखिए ये जिंजर है, ये ग्रीन चिली है, पुदीने के पत्ते हैं, कुछ लहसुन की कलियाँ हैं और ये हरी धनिया है जो मुझे इस चटनी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक साइड क्या किया है, मूँगफली रोस्ट करने के लिए रख दिया है। अब ये स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, 2 टेबल स्पून लिया है, स्लो फ्लेम पे इसलिए करेंगे जिससे ये अच्छे से रोस्ट हो जाए और जले भी। एक मेन इंग्रेडिएंट कर्ड है जो इस चटनी को बहुत ही यमी बनाएगा। दोस्तों ये जो चटनी है ना, ये नॉर्थ दिल्ली में मतलब हर जगह बहुत फेमस है। और क्या होता है, इसके साथ आप पकौड़े किसी तरीके से भी कुछ भी आप स्नैक्स खा सकते हैं इस चटनी के साथ, ये बहुत परफेक्ट जाती है। देखिए मेरा मूँगफली रोस्ट हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैं इसको क्या करूँगी, पील ऑफ कर लूँगी। तो मैंने क्या किया, पहले मिक्सर जार में सारा इन्ग्रीडियंट रख लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, ग्राइंड करूँगी। ये पील ऑफ की हुई मूँगफली है। अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, देख सकते हैं आप, और 1 टेबल स्पून जीरा भी ऐड करूंगी। अब इसका एक मैं पेस्ट रेडी करूंगी। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और ढेर सारा कमेंट करिए। हाँ दोस्तों ये कहना है, ये एक बार मेरे कहने पर आप चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ और ये बहुत ही यमी आपको लगेगा। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी, आप देख सकते हैं 2 स्पून तक लेमन जूस ऐड करूँगी। और कर्ड ऐड करके एक बार मैं इसे मिक्सर में चला लूँगी जिससे कि ये अच्छे से आपस में मिल जाए। हाँ दोस्तों ये एक बार मैं और कहना चाहती हूँ, एक बार प्लीज़ आप ये चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। और ये अब मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की चटनी है और ये बहुत टेस्टी बनती है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये दिल्ली और ब्रेड पकौड़ा मतलब जितने भी स्नैक्स हैं ना, सबके साथ बहुत परफेक्ट जाती है। ये देखिए स्मूथ पेस्ट बन गया है। थैंक यू, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।